सिटीजनशिप को मेरे संगठन की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि 2016 सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये हम लोगों के नॉर्थ ईस्ट और खास करके आसाम और त्रिपुरा का, जिस त्रिपुरा 1949 15 अक्टूबर में हिंदुस्तान के साथ मार्च किया था, मार्च करने के पहले त्रिपुरा एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, और मार्च करने के वक्त त्रिपुरा का जो पॉपुलेशन रेशियो था उसमें त्रिपुरा सा भरत दफाओ का परसेंटेज ज्यादा हुआ करता था और मेजोरिटी हुआ करता था, लेकिन 1949-15 अक्टूबर में मार्च होने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, मुस्लिम और हिंदू के बीच में दंगा भड़कने के बाद त्रिपुरा में बहुत सारे इलीगली माइग्रेशन हुआ है। ये सिर्फ त्रिपुरा का लोगों को मालूम नहीं है, सारे हिंदुस्तान का लोगों को ही मालूम नहीं है, सारे दुनिया का लोगों को ही मालूम है। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ का जो भूमिपुत्र है माइनॉरिटी होते गए, और माइनॉरिटी होने के बाद आखिरकार खुद का स्टेट में ही त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मांगना पड़ा, और वो भी बहुत खून बहाने के बाद 1984 अगस्त में पार्लियामेंट में बिल पास हुआ। लेकिन अभी 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद और वार के पहले बहुत सारे जो घुसपैठियां हुआ था और अभी भी घुसपैठी हो रहा है, और उस घुसपैठी में ज्यादातर खास करके त्रिपुरा में हिंदू बंगाली ही इलीगली एंटर हुआ है, और वो लोगों को गलत तरीका से सिटीजनशिप दिया गया है, और बहुत सारे लोगों को अभी तक सिटीजनशिप नहीं दिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने 2014 में बीजेपी का गवर्नमेंट आने के बाद सिर्फ हिंदुओं को, जो भी बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 2014 के 31 दिसंबर तक जो भी आया है, सभी को नागरिकत्व दिलाने का जो बिल, जो काला बिल, जिस बिल का नाम है 2016 सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसके तहत जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो परिवर्तन लाने का कोशिश जो केंद्र सरकार ने किया है और कर रहा है वो इंप्लीमेंट हुआ, तो त्रिपुरा का जो भूमि पुत्र है जो अभी खत्म होने के कगार पर है, जो अभी अपनी चूड़ांत परिस्थिति में पहुंच चुका है माइनॉरिटी में, वो त्रिपुरा का भूमि पुत्र पूरी तरीके से विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन वो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा अगर 2016 सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट हुआ तो ये बहुत इलीगल है। जो मर्जर एग्रीमेंट है उसका लॉ का भी वायलेशन है, और जो यहाँ का जो भूमि पुत्र है उसका अस्तित्व के लिए भी ये बहुत ही संकटपूर्ण एक परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति में हम लोग केंद्र सरकार की इस बिल और इस नीति के खिलाफ, हम लोग त्रिपुरा का जितने भी संगठन है, जितना भी स्टूडेंट और जितना भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, मजबूरी में अपना जाति का अस्तित्व का रक्षा करने के लिए यहाँ हम आज इस बिल का विरोध में इकट्ठा हुए, और हम आगे भी इकट्ठा होके इस बिल का विरोध करने के लिए एक मंच पर आएगा, और इस बिल का हम दिल खुल के विरोध करते हैं, और इस बिल अगर पास हुआ तो त्रिपुरा में खून का गंगा बह सकता है, नॉर्थ ईस्ट में खून का गंगा बह सकता है। अगर इस बिल की वजह से त्रिपुरा में कोई दंगा भड़का तो त्रिपुरा में कोई कम्युनल राइट्स हुआ तो, कम्युनल फीलिंग्स पैदा हुआ तो, ये पूरा पूरी केंद्र
सरकार का दोष होगा उसके लिए पूरा पूरी केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अगर वो इस बिल को पास करना चाहते हैं तो वो त्रिपुरा का भूमि पुत्र और नॉर्थ ईस्ट का भूमि पुत्र उन लोगों की लाशों के ऊपर से इस बिल को गुजारना होगा। यही हम लोग आज इस आज की जो विक्षोभ है आज की जो हम लोग का जो विक्षोभ आज समावेश है आज का जो हम लोग का इकट्ठा होकर जो विक्षोभ समावेश जनाया गया है इसकी तरफ से हम यही मैसेज केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं।